मेनपुरी जनपद के थाना किसनी क्षेत्र के गांव रठे में पुराने विवाद के चलते सुखलाल व उसकी पत्नी को अपने खेत में सुबह करीब 6 बजे कूड़ा डालने जाते वक्त कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावर पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे, उन्होंने उनके साथ जमकर मारपीट की। हालांकि ये घटना 17 जून की है। वहीं उनकी पत्नी कुसुमा देवी का कहना है कि हमलावर अपने साथ लाठी डंडे व लोहे की रॉड से लैस होकर आए थे तथा पिटाई करने के बाद हमारे साथ जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। हमलावर ने कुसुमा देवी के ऊपर फायरिंग भी की जिसमें वे बाल बाल बच गई। पीड़ित परिवार ने इसकी तहरीर जब थाने में दी तो दरोगा ने कहा कि आपको गोली कहां लगी है और उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद ही कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पीड़ित परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। मारो किस बात को लेकर आपको मारपीट की आपके साथ? कोई बात नहीं आती, हम तो कोई बात ही नहीं, तो अपने कोई शंका तो जाते ही नहीं कूड़ो डाल। कौन कौन लोग थे? ये थे जबरे रुबाब लड़का आते तीनों और टिंकू होते सावली होते टिंकू लड़का आते सब आते 6 लोग आते। सब लोगों के नाम बताइए। हाँ सब लोग उनको इनके लड़के तो मैं नाम मालूम नहीं है, तो ये रात में गुस्सा है रात में। तो किन किन के किन किन के साथ मारपीट की? हमारे दो जन आते हम आते मालिक वहाँ आता है। किससे मारपीट किया आपने? लाठी लगी अभी सब आई लाए थे और क्या क्या धमकी थी कुछ? हाँ कट्टा ने छाती डरो बोले तो भोगड़ी वाली बताओ बता तेरे पा कर हम अंदर चोत की तब जान लीजिए लकड़े जात का यहीं दमाई डिंगा तो दूसरी डंडा माए मारी जाले कड़े तब देगा सही हो आदमी ने को पूछे ना मारी तो मात्र चले आएगी रात भाई बहुत ही मारो। अब समझ लो मैंने पूरी भरते हैं अस्पताल। कौन भरती है? हमारे घर है। क्या मामला क्या हुआ? जमीन पर विवाद चल रहा था उसके तो कम से कम 10-12 साल पहले का विवाद था। इसमें कोई मामला शांत हो चुका था। उस पर मम्मी पापा हमारे अपने कूड़ा डालने गए थे अपने खेत पे, तो वहाँ भी उन्होंने लोगों ने पहले से मौजूद थे वहाँ चलो जो कूड़ा डाल के हट नहीं पाए वहाँ से दो लोगों का तपंचा था जबरली के पास मुस्तुओं के पास एक बार कुड़ारी थी और अन्य लोगों के पास किसी के पास लबिया सरिया किसी के पास डंडे थे। अन्य लोगों ने सभी लोगों ने मारा वहाँ।